हेलो गाइस, आज इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला है एमआई यूआई 12 के रेगुलेशन ओएस 20.6.24 के बारे में, जो कि एंड्रॉइड 10 पोर्ट रोम है रेडमी नोट 5 प्रो के लिए। तो इसका न्यू अपडेट आ गया है और इसमें काफ़ी सारी चेंजेस भी हुई हैं और साथ साथ कुछ चीज़ें रिमूव भी की गई हैं और कुछ फीचर्स भी ऐड किए गए हैं। तो सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात करूँगा और पहले के मुकाबले आपको परफॉर्मेंस इसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है पहले से, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और भी जो भी चेंजेस हैं सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना। और अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर लें, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ साथ हमारे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो लें, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन से आप वहाँ पर ज्वाइन कर लेना, हमारे ग्रुप में सारी अपडेट्स भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी रहेगी। तो चलिए हम यहाँ पर वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम यहाँ पे अवार्ड फोन में ऑल स्पेक्स के अंदर, तो एंड्रॉइड 10 हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी पैच 1 जून 2020 की देखने को मिलती है और वर्जन एम आई वाई 12.1 रेगुलेशन वाइज 20.6.24 यूनिकॉर्न यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और साथ साथ यहाँ पे कर्नल की अगर हम बात करें तो पिछले अपडेट में जो कर्नल था डार्क था, लेकिन यहाँ पे आपको एक्सटेंडेड का कर्नल देखने को मिल जाता है। कंट्रोल सेंटर की बात करें तो कंट्रोल सेंटर पहले से आपका काफ़ी स्मूथ यहाँ पे हो चुका है, टॉगल्स हमें ये कुछ देखने को मिलते हैं। वॉल्यूम पैनल की अगर हम बात करें तो ये वॉल्यूम पैनल है जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और पावर मेन्यू में आपको रिकवरी मोड एंड फास्ट फूड मोड देखने को मिल जाता है। और रीसेंट की अगर हम बात करें तो रीसेंट जो है हमारा कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे रैम मैनेजमेंट भी आप देख सकते हो, 4GB में 1.5GB यहाँ पे अभी हमारी बची हुई है, बाकी फ्लोटिंग विंडो भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है, तो आप यहाँ पे ये यूज़ कर पाएंगे। एंड बात करते हैं कॉलिंग की, तो जियो वोल्टी हमारी बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है, साथ साथ वीडियो कॉलिंग भी आप कर पाओगे, लेकिन वाईफाई कॉलिंग जो है यहाँ पे काम नहीं करती है। एंड बात करें गैलरी की, तो गैलरी के अंदर फिल्टर स्टिकर ये सारी चीज़ें जो हैं कुछ यहाँ पे ऐड किए गए हैं, तो आपको यहाँ पे जो फिल्टर्स हैं वो आपको न्यू देखने को मिलने वाले हैं कुछ, और साथ साथ स्टिकर्स भी देखने को मिल जाते हैं। और बात करते हैं यहाँ पे स्काई की, जो कि गैलरी में हमें देखने को मिल जाता है, तो इस बार हमारा जो स्काई में है कुछ प्रॉब्लम फिलहाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे डाउनलोड करने पर डाउनलोड नहीं हो रहा था। कनेक्शन भी चेंज करके देख लिया, फिर भी ये जो है ये डाउनलोड यहाँ पे नहीं होता है। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं टूल्स की, तो एमआई मूवर मिल जाता है, एफएम मिल जाता है जो कि बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रहा है। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग की बात करें तो यहाँ पे हमारे स्क्रीन रिकॉर्डिंग में इंटरनल साउंड जो है बिल्कुल इसी तरीके से रिकॉर्ड हो रही है और फ्रेम रेट हमारा 30 FPS तक देखने को मिल जाता है। कैमरे की बात करें तो एमआई का कैमरा हमारा बिल्कुल ओरिजिनल पिक्चर क्लिक कर ओरिजिनल साइज में HDR मिल जाता है और AI देखने को हमें मिल जाता है। और पोर्ट्रेट मोड हमारा फ्रंट बैक दोनों ही बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रहा है, साथ साथ आप यहाँ पे जो है वाटरमार्क के साथ जो है पोर्ट्रेट मोड क्लिक कर पाओगे बिना किसी प्रॉब्लम के, तो जैसे कि आप देख सकते हो। एंड वीडियो क्वालिटी की अगर हम बात करें तो वीडियो क्वालिटी में हम यहाँ पे चलते हैं, तो वीडियो क्वालिटी जो है हमारी यहाँ पे 1080 60 FPS एंड 4K 30 FPS तक देखने को मिलती है। एंड बात करते हैं GCam की, तो GCam आप बिल्कुल इसी तरीके से यूज़ कर पाओगे, कोई भी दिक्कत GCam में हमें देखने को नहीं मिलता, तो GCam भी हमारा बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। एंड YouTube बैंड जो है हमें यहाँ पे डिफॉल्ट देखने को मिल जाता था, आप इसके भी मजे यहाँ पे ले पाओगे, YouTube बैंड जो है हमें डिफॉल्ट मिलता है। एंड अपडेटर आपको यहाँ पे देखने को हमें मिल जाता है, तो आप यहाँ पे अपडेटर देख सकते हैं। एंड यहाँ पे Google असिस्टेंट जो है हमें देखने को मिल जाता है। बात करें यहाँ पे मैजिक मैनेजर की, तो मैजिक मैनेजर जो है यहाँ पे मैं अलग से फ्लश किया, क्योंकि डिफॉल्ट आपको यहाँ पे रूटेड रोम नहीं है, तो यहाँ पे अगर आप अलग से फ्लश करते हो तो 20.3 फ्लश करना, ताकि आपको यहाँ पे सेफ्टी नेट मिल जाए। 20.3 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद प्ले स्टोर जो हमारा है नॉट सर्टिफाइड रहता है, लेकिन यहाँ पे सर्टिफाइड करने के लिए आपको काफ़ी सारी वीडियो में बता रखा, अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम होता तो हमारे टेलीग्राम में आके आप पूछ सकते हो कि वहाँ पे जो हमारा सेफ्टी नेट मिल जाए तो इसका डाटा जो है क्लियर कर देना, उसके बाद ओपन करोगे तो सेफ्टी नेट हमारा यहाँ पे जो है सर्टिफाइड मिल जाता है। बाकी बैंकिंग ऐप हमारे जो है बिल्कुल इस तरीके से काम कर रहे हैं। और मूवी क्विक की अगर बात करते हैं जो है काम नहीं करता, तो आपको परमिशन देके जो है यहां पे फिक्स करना पड़ेगा। बाकी यहां पे हम बात करते हैं तो ये जो है आपको परमिशन देना है, या फिर मैजिक से हाइड करके जो है यूज करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे हम बात करते हैं थ्री फिंगर होल्ड स्क्रीन शॉट की, ये तो हमें देखने को मिल ही जाता है काफ़ी पहले से ही, तो ये आपको देखने को मिल जाता है। और अनइंस्टॉल एनिमेशन की अगर हम बात करें तो अनइंस्टॉल अगर आप कर दो किसी भी एप्लीकेशन को, तो उसकी जो एनिमेशन है वो भी हमें लेटेस्ट वाला ही देखने को मिल जाती है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड बात करते हैं सेटिंग्स की, तो यहाँ पे हॉटस्पॉट हमारा काम कर रहा है। कास्ट की बात करें तो कास्ट हमारा बिल्कुल इसी तरीके से वर्किंग है। एंड लॉक स्क्रीन के अंदर अगर हम जाते हैं तो लॉक स्क्रीन के अंदर आपको यहाँ पर डबल टैप मिल जाता है। नॉर्मली जो सेटिंग्स हमें मिलने वाली वॉलपेपर कैरोसेल देखने को यहाँ पे हमें मिल जाता है। एंड यहाँ पे हमारा जो है चार्जिंग एनिमेशन न्यू जो कि ऐड किया गया है, तो ये आपको देखने को मिलने वाला फ्लो वाला कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिल जाता है। एंड ग्लो हमारा जो चार्जिंग एनिमेशन है कुछ इस तरीके से मिल जाता है, और साथ साथ हमारा जो लास्ट वेब देखने को मिल जाता है, थर्ड हमारा जो एनिमेशन यहाँ पे देखने को मिल जाता है।
तो ये ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं, चार्जिंग, एनिमेशन एंड डिस्प्ले के अंदर अगर हम चलते हैं तो रीडिंग मोड हो गया, कलर हो गया एंड डार्क मोड हो गया, बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करें, कोई भी दिक्कत नहीं है। डार्क मोड में आपको इंडिविजुअल ऐप भी देखने को मिल जाता है। एंड बात करते हैं कंट्रोल सेंटर का, थोड़ा बहुत सेक्शन जो है चेंज हुआ, जैसे कि आप देख सकते हो कंट्रोल सेंटर का यहाँ पे मिल जाता है स्टेटस बार एंड नोच का आपको नीचे देखने को मिल जाता है। कंट्रोल सेंटर में एक ऑप्शन ऐड किया गया जो कि एक्सपेंडेबल अंडर सिक्योर लॉक स्क्रीन मिल जाता है, जिसके अंदर आप यहाँ पे कंट्रोल सेंटर को इनेबल एंड डिसेबल कर सकते हो लॉक स्क्रीन में। लॉक स्क्रीन में आप यूज नहीं पाओगे डिसेबल करने के बाद। एंड यहाँ पे आपको मिल जाता है स्टेटस बार में कुछ ये बैटरी इंडिकेटर जो है नॉर्मली हमें पहले ही वाला ही है, हाइड नॉच भी जो है हमें पहले ही मिलता है, बस एक्शन थोड़ा सा अलग अलग चेंज कर देते हैं, काफ़ी अच्छा देखने में भी लगता है। एंड हमारा ऑटो रोटेट जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है एप्लीकेशन में। साउंड के अंदर आपको फिलहाल कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता है, तो यहाँ पे जो है सारे के सारे ऑप्शन जो हमारे फीचर जो है सेम ही पहले वाले ही देखने को मिल जाते हैं। साउंड इफेक्ट के अंदर हमारा MI साउंड एनहांसर जो कि वर्किंग है। एंड नोटिफिकेशन में भी सेम है, कोई चेंजेस नहीं। होम स्क्रीन की अगर हम बात करें तो होम स्क्रीन के अंदर आपको यहाँ पे ऐप ड्रॉअर मिल जाता है लेटेस्ट लॉन्चर जो कि हमें देखने को मिलने वाला है। एंड साथ साथ यहाँ पे हमारा जो है सर्च बार भी ऐड कर दिया गया है, तो जो गूगल का एंड सर्च नॉर्मल तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे जो है गूगल का सर्च बार कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलने वाला जो कि न्यू ऐड किया गया है। तो ये ऑप्शन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और बात करते हैं यहाँ पे वॉलपेपर्स की, तो वॉलपेपर्स के अंदर आपको यहाँ पे सिस्टम वॉलपेपर में आपको रेवोल्यूशन OS के सारे वॉलपेपर्स देखने को मिलते हैं जो कि पहले हमें देखने को मिलते थे, वही ऑप्शन यहाँ वही वॉलपेपर हमें देखने को मिल जाते हैं। एंड बात करते हैं नेक्स्ट जो कि ऐड किया गया यहाँ पे, तो ये है सुपर वॉलपेपर जो कि ऐड किया गया है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो मेरा डाउनलोडेड नहीं शो कर रहा, आइकन आप में शो करेगा, तो आपको APK दूंगा, दो APK रहेगा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वॉलपेपर का अर्थ का एंड मार्स का, तो दोनों को इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको लोकेशन भी सिलेक्ट करने के लिए मिल जाएगा, तो ये जो है सुपर वॉलपेपर यहाँ पे ऐड किया गया है, बस आपको APK जो है इंस्टॉल करना है डाउनलोड करके। बाकी यहाँ पे ये चीज़ दे दिया गया है, तो आप यहाँ पे जो है यूज़ कर पाओगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। साथ साथ यहाँ पे हमारा जो मार्स का है वो भी दिया गया है, तो यहाँ पे भी आप APK इंस्टॉल कर लोगे तो आपको यहाँ पे भी लोकेशन सेलेक्ट करने के लिए मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे लोकेशन कोई से भी सिलेक्ट करो बिल्कुल अच्छे तरीके से अप्लाई हो जाते। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ एक, तो आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी अच्छा एनिमेशन के साथ आपको यहाँ पे मिलता है, लैगिंग देखने को नहीं मिलती थी, काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छे तरीके से सुपर वॉलपेपर आप यूज़ कर पाएंगे। एंड साथ साथ यहाँ पे फाइंड मोर का ऑप्शन जो कि हमें देखने को मिलता है जो कि पॉपअप में आप देखने को मिल रहा है, पहले हमें ये देखने को ब्राउज करके मिलता था। अब यहाँ पे थीम्स की बात करते हैं, तो थीम्स के अंदर हमें यहाँ पे iOS की थीम देखने को मिल जाती है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी अच्छी थीम है, तो इसका भी जो है यूज़ कर पाओगे। साथ साथ यहाँ पे भी फाइंड मोर का पॉपअप में हमें देखने को मिल जाता है जो कि ब्राउज पहले करना पड़ रहा था। एंड फॉन्ट की बात करें तो फॉन्ट जो है इनविजुअल हो जाता था अगर हम डार्क मोड यहाँ पे यूज़ करते थे, तो अब जो है ये बिल्कुल इसी तरीके से क्लीन दिख रहा है, कोई भी दिक्कत यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। तो काफ़ी सारे बग्स थे जो कि इस अपडेट में फिक्स कर दिए गए हैं। और साथ साथ यहाँ पे हमें डायनेमिक मिल जाता है जिसमें आप लाइव वॉलपेपर जो है ऐड कर सकते हो। एंड थीम कंपोनेंट्स की बात करें तो बूट एनिमेशन एंड बूट ऑडियो देखने को मिल जाता है। एंड थीम लैब के अंदर आपको ट्रांसपेरेंट वॉलपेपर एंड वॉलपेपर साइट्स देखने को हमें मिल जाता है। सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी के अंदर हमारा फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक जो कि बिल्कुल अच्छे तरीके से और काफ़ी फास्ट रिस्पॉन्स कर रहा है, तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। प्राइवेसी प्रोटेक्शन मिल जाता है। बैटरी की बात करें तो बैटरी बैकअप भी जो पहले से इंप्रूव हुआ है, यहाँ पे एक्सटेंडेड का कर्नल मिल जाता है, तो बैटरी बैकअप भी यहाँ पे थोड़ी सी इंप्रूव आपकी हुई है। एंड यहाँ पे हम ऐप्स की बात करें तो यहाँ पे डुअल ऐप हमारा मिल जाता है, बाकी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। एंड डुअल ऐप हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से वर्किंग है। एंड बात करते हैं एडिशनल सेटिंग्स की, तो यहाँ पे हमारी लैंग्वेज जो है कौन कौन सी देखने को यहाँ पे हमें मिलती है, तो लैंग्वेज मैं आपको दिखा दूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी लैंग्वेज हैं जो कि हमें यहाँ पे इस अपडेट में देखने को मिल जाती हैं। तो काफ़ी सारी लैंग्वेज हैं जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और बात करते हैं फुल स्क्रीन डिस्प्ले की, तो यहाँ पे जो हमारा फुल स्क्रीन जेस्चर है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से और काफ़ी स्मूथ यहाँ पे काम कर रहा है जैसे कि आप देख सकते हो। एंड साथ साथ हमें यहाँ पे स्वाइप अप जो कि गूगल असिस्टेंट देखने को मिल जाता है, तो ये भी जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और साथ साथ हमारा बटन्स यहाँ पे देखने को मिल जाता है, तो इसको भी आप यहाँ पे यूज़ कर पाओगे बिना किसी प्रॉब्लम के, तो ये भी जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि इम्प्रूव यहाँ पे हो चुकी है, पहले से बेटर एंड स्मूथ भी है रोम। और बात करते हैं नोटिफिकेशन लाइट की, तो ये हमारी बिल्कुल अच्छे तरीके से वर्किंग है। एंड क्विक बोल मिल जाता है, 100 मोड मिल जाता है, एंड एसेसिबिलिटी देखने को हमें यहाँ पे मिल जाती है। एंड नीचे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो स्क्रीन टाइम जो कि हमारा मिल जाता है, और साथ साथ इसके अंदर हमें फोकस मोड भी देखने को मिल जाता है। एंड स्पेशल फीचर्स के अंदर चलते हैं तो गेम टर्बो मिल जाता है। एंड वीडियो टूल बॉक्स में कुछ बग्स जो कि पहले तो यहाँ पे इस अपडेट में फिक्स कर दिया गया है। एंड फ्लोटिंग विंडो, सेकेंड स्पेस एंड MIUI लैब एंड लाइट मोड हमें देखने को यहाँ पे मिल जाता है। नीचे हमें यहाँ पे कुछ अकाउंट सेटिंग्स देखने को मिल जाती है। बात करते हैं टूटू मेजमा स्कोर की, तो 151,750 हमें यहाँ पे टूटू मेजमा स्कोर देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर हमें मिल जाता है। पबजी की बात करें तो पिछले अपडेट्स के मुकाबले यहाँ पे जो गेम टर्बो है हमारा थोड़ा पुराना वाला देखने को मिलता है। एंड
पबजी के ग्राफिक की बात करें तो यहाँ पे HD मिल जाती है, जबकि पहले हमें यहाँ पे बैलेंस तक देखने को मिलते थे। तो पबजी के जो इम्प्रूवमेंट है वो भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पे अगर डेली लाइफ के लिए यूज़ करना चाहते हो तो बिल्कुल अच्छे तरीके से यूज़ कर पाओगे बिना किसी प्रॉब्लम के। जो बैंकिंग ऐप है उनको भी फिक्स कर ही सकते हो आप यहाँ पे परमिशन दे के या फिर मैजिक से हाइड करके। तो ये रूटेड रोम नहीं है, जो अगर यूज़ करना चाहते हैं तो बिल्कुल अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएंगे। और जो रूट यूज़ करते हैं तो उनके पास ऑप्शन है आराम से मैजिक फ्लश करके जो है यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। बाकी टच रिस्पॉन्स भी आप यहाँ पे देख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम फिलहाल देखने को नहीं मिलती। और पबजी काफ़ी हद तक यहाँ पे इंप्रूव हो चुका है, पहले से काफ़ी बेटर आपको यहाँ पे मिलने वाला है पबजी परफॉर्मेंस। ये काफ़ी अच्छी बात है यहाँ पे जो ये अपडेट है। पहले जो रेगुलेशन वाइज के अपडेट थे शुरू के, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स पहले देखने को हमें मिलते थे, लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे जो है आपको पहले से बेटर इंप्रूवमेंट जो है मिलती जा रही है हर अपडेट के साथ। ये काफ़ी अच्छी बात है, आपको यहाँ पे जो पहले से काफ़ी बेटर यहाँ पे इंप्रूवमेंट मिल जाती है और रोम भी काफ़ी स्मूथ आपको यहाँ पे जो है पहले से मिल जाता है। तो आप यहाँ पे जो है बिल्कुल इसी तरीके से गेम भी खेल पाओगे एंड डेली लाइफ में यूजर्स में भी काफ़ी बेटर है यहाँ पे। तो यही सारी चीज़ें थी, और इंस्टॉल वही नॉर्मली है ऑरेंज फॉक्स की ऑफिशियल रिकवरी से, टोलबिक सिस्टम, डेटा वेंडर, कैच, इन सबको वाइप करके सिंपली आपको जो है रोम इंस्टॉल करके रिबूट कर लेना। तो यही सारी चीज़ थी यहाँ पे, और अगर कुछ भी मिस हुआ है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो या फिर हमारे टेलीग्राम पे आकर के वहाँ पे भी पूछ सकते हो। तो यही सारी चीज़ थी आज की वीडियो में, और अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर ले ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।